वीडियो में जो बच्चे का रोल कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है, असल में वो मैं ही हूँ। और वीडियो में ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, त्यूतीश में मैं हूँ और इसमें मैं भी हूँ दोस्तों, और मैं भी हूँ। वीडियो एंड तक देखना, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। ताता आप तक फोन, चाचा, ताता वो परोस वाली आंटी आई हैं। अरे पहले उनकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता कुछ जरूरी काम हो। ताता तो ही नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। Oh, no! लेकिन आज एक इंसान आने वाला है जो है तो इस सदी का, लेकिन उसे आज भी अपना पिछला जन्म याद है। मतलब जब वो 1820 में पैदा हुआ था, तब से लेकर मरने तक का एक एक पल उसे आज भी इस जन्म में याद है। मेली दांद में तीरा तातला है, उनसे मिलने था, जल्दी बुलाओ उन्हें। तीरा कहाँ काट रहा है? भाई थी दांद में। चुप हो जा, बकवास मत कर। चाचा, चाचा कब आएंगे वो? फोन चलते पूछो ना। वो फोन नहीं रखता, वो आज भी 19वीं सदी में ही जीता है। तो वो आपके दोस्त कैसे बने? एक बार मैं शादी से पहले पहाड़ों में घूमने गया था और मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी। उसको एक गुफा दिखी और उसने कहा चलो देखते हैं अंदर क्या है। अंदर तो आपका नुन्नू है, इसमें देखने वाली बात क्या है? गुफा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ओ थोली। फिर हम दोनों एक साथ गुफा में घुसे और बाल दो से तीन होते निकले, बहुत तेज होले वो। हम दो ही निकले थे बाहर भी। चाचा आप आगे बताओ ना, आप दोनों गुफा में घुसे फिर क्या हुआ? तांदू इसलिए तो थिंगल है, लड़को लड़की गुफा में घुसे तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा। गुफा में घुसे तो हमें एक अजीब सा आदमी दिखा जो उल्टा होके सो रहा था। तेल चटाई वगैरह भी लखी थी उनके पास। वो सिर्फ इज्जत से सो रहा था। हमारे पैरों की आवाज सुनते ही वो जाग गया और मेरे से और मेरी दोस्त से बोला, ये होयो नहीं है भूतली वालो, यहाँ तुझ मत तलना। नोनू चुप। चाचा आपको देख के क्या बोला वो? वो बहुत अजीब तरह से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। फिर हमने उसे समझाया कि हम अच्छे लोग हैं। फिर हमने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया। फिर उसने हमें अपना पिछला जन्म बताया और इस तरह से हमारी उससे दोस्ती हो गई। ताता ये थप तो ठीक है, पर वो आएंगे तब? बस वो आता ही होगा। ये कौन है? यही है मेरा वो दोस्त भरवेश। है भरवेश? इतने अच्छा तो भरवा नाम लख लेते। वैसे भड़वा नाम वो बहुत अच्छा है, हमारे जमाने में किसी का भी नहीं था। तुम मुझे इस नाम से पुकारो, मुझे सुन के अच्छा लगा। पानी ला के दो अंकल को। हाँ हाँ चाचा मैं लाता हूँ। अंकल ये लो पानी। भड़वेश, बच्चे तेरे पिछले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। 1820 में मेरा जन्म हुआ। आप तो ऐसे भलक के बता लो जैसे आपके पैदा होने के पीछे मेरी मेहनत थी। उंगली रख और सुनता जा। थुनाओ। अरे मुंह पे उंगली रख। ठीक है ठीक है। जब मैं पैदा हुआ तब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था। तो आपने तो ये अंग्रेजन नहीं पताई। मुंह बंद कर। जब मैं 15 साल का था तो एक दिन अचानक गोलियां चलने की आवाज आई, और पता है वो कैसी आवाज थी? हाँ, कुछ इसी तरह की आवाज हुआ करती थी, लेकिन सबसे भयानक आवाज होती थी तोप की, पता है कैसी? भोथड़ी भोथड़ी। हाँ हाँ, पर तुझे कैसे पता है इतना उस जन्म का? मैं तो बस अंदाजे से बता रहा था। अच्छा, फिर 16 की उम्र में मेरी शादी हो गई। 16 थाल में ही था दी, भला अगले शिफ्ट था आपका नुन्नू तो। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छे से दिन कटने लगे। अपने थुआगलात का तो बताओ, वो क्यों स्किप कर दिया? वो सब मोह माया है। मोह माया में ही तो मजा है।
तुझे आराम से सुनना है या मैं भेजूं अंकल को? अच्छा अच्छा सुनाओ भरवे अंकल। 40 की उम्र में मेरे साथ एक हादसा हुआ और मैं डाकू बन गया। डाकू या जादू? डाकू। अच्छा वैसे ऐसा क्या हादसा हुआ जो आप तो दातू बनना पड़ा? कुछ लोगों ने एक दिन मेरी बीवी और चारों बच्चों को रोक के लूट लिया। चार बच्चे? उस्ताद तुम्हारे नन्नू की परफॉर्मेंस तो बहुत तगली थी उस जमाने में भी। नो चुप। अंतल फिर क्या हुआ? जब उन लोगों ने मेरे बीवी और बच्चों को लूट लिया तो वो रोते हुए घर आए। वो दृश्य देखकर मेरा खून खोल गया, आग लगने लगी। आपकी दांत में? फिर तो आपके बीवी बच्चों ने हाथ फेंक लिए होंगे लगे हाथों आपकी जलती दांत से। आग मेरे अंदर मेरे दिल में लगी, बदले की आग। बस उसी क्षण मैं घर से निकला और मैंने उन लोगों को चुन चुन के मारा जिनका गांव में नाम हुआ करता था। फिर लोग मुझसे डरने लगे, उनके दिलों में मेरा खौफ बैठ गया। क्या बात है। लेकिन उसी क्षण मेरी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई क्योंकि मेरे बहुत दुश्मन बन गए थे और वो मौका ढूंढा करते थे मुझे मार गिराने का। आप तो मारने के लिए भी मौके की जरूरत है, एक चाते में पापा पापा बोलो दे आप। उस जमाने में मेरा कद बहुत ऊंचा था और शरीर बहुत खलनायक, लोग देखते ही भाग जाते थे। नन्नू सिंह की तला तो नहीं लगते थे कहीं आप? अब ये नन्नू सिंह कौन है ये? अपने मुंह पे काबू रख, मेरी बात बस खत्म होने वाली है। ठीक है तो बताओ। ये मेरी मृत्यु का दिन था, मैं सुबह घर से निकला डकैती डालने और मुझे निकलते ही उस गांव के सबसे रईस लोग दिखे। उन्होंने मुझे देखते ही अपना सब कुछ, सोने की चेन अंगूठियां जेब में डाल ली। मैं उनके पास गया और मैंने सबकी जेब में से सामान निकाल लिया, लेकिन उनमें से एक की जेब फटी हुई थी। फिर तो उस बंदे का थमान आपके हाथ में आ गया होगा। नहीं, वो उसकी साजिश थी, उसने अपनी जेब खुद फाड़ी थी ताकि उसकी जेब से सोना गिरे और मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकूं और उसी क्षण वो मेरे खंजर मार दे। तो फिर आप झुके? आपकी चुप्पी से तो ऐसा लग रहा जैसे आपते झुकते ही उन्होंने थंजल मारने की जगह आपकी दांत मार ली। नहीं, उन्होंने सीधा मेरे सर पे गोली मार दी। ओ दांदू, लग जाएगी लग जाएगी। लकड़ी है उनके हाथ में। अले तो हम तो उनसे दल्ले हैं, हम तो एक्टिंग कर ले थे। इतने नीचे तर जादू त्यू दलाला है, नकली बंदूक है वो। अच्छा। ओह नो। वैसे आप ये पूरा जन्म दुफा में ही बिताओ दे? हाँ, क्योंकि मुझे अंधेरा पसंद है। नुन्नू तो भी देखो, तभी थाला ताई मंडल बंद लेता है। बालक तू बहुत बोलता है, मैं तुझे अपने साथ अपनी गुफा में लेके जाऊंगा। हाँ, मत तूतिया हूँ मैं, तला जाऊंगा। जाना तो तेरे को पड़ेगा, पता है क्यों? तूती आपके जमाने में लूडो तो शौक था, नए नए थोड़े लेने था, लेकिन आप तो इस जमाने में शौक है नए नए बंदों ते लोरे लेने था। ये लोड़े क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे कीमती चीज। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कीमती चीज। तो फिर तो जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम सबके लोड़े लेके जाऊंगा, और नोनू खास करके तेरा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अलविदा दोस्त। ये तो थाला तूतिया निकला। लुक जाओ, तुम्हें भागने की बहुत जल्दी होली, जैसे तुम्हारी बंदी या बंदा इंतजार कर ले। मुझे पता तुम भी मेरी तला सिंगल हो, और तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तो बस इतना सा गिफ्ट देना कि 10,000 कमेंट्स और 10,000 लाइक्स कर देना यार। सब्सक्राइब बटन पे चाहे दांत फाड़ दो, मुझे नहीं पता, बस उसे दबा देना प्लीज यार। और कमेंट तलते जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगला ऐसी और वीडियोस देखनी है तो वो भी कमेंट में बताना। अब जाओ अपनी बंदी से मिलो चाहे अपने बंदे से मिलो, पेड़ के पीछे जाओ या गाली के पीछे जाओ, एंजॉय करो।